हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, जो इंसान नेगेटिव हो जाता है या पॉजिटिविटी से दूर चले जाता है उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एक ऐसी अहम वजह जो नाशुक्री होती है वो ये सबब बनती है नेगेटिविटी का, या सबब बनती है आपकी पॉजिटिव लिविंग को दूर करने का। नाशुक्री इंसान को ऐसे घुला देती है जैसे कि एक इंसान, बड़ा इंसान बहुत छोटा हो जाता है, एक इंसान के अकीदे को डिस्टर्ब कर देती है, एक इंसान के अल्लाह के ऊपर भरोसा होने को बर्बाद कर देती है। ये नाशुक्री एक ऐसी बीमारी, ऐसी बुराई है कि वो नाशुक्री इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाशुक्रा बंदा बना देती है। ये नाशुक्री एक ऐसा अहम और बहुत ही बुनियादी ये वजह बनती है पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव लिविंग को ना होने के लिए। दूसरा जो सबब बनता है वो है इनसिक्योरिटी, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर गैर तवक्कल रखना, दूसरे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना। ये जो इनसिक्योरिटी होती है या जो एक सोच होती है कि अगर अल्लाह ने किसी और को दिया तो वो मुझसे छीन कर दिया, ये जो इनसिक्योरिटी होती है ये गैर तवक्कल अल्लाह पर रखने की वजह से होती है। तो आपके दिमाग में कभी भी अगर ये सवाल आए या सोच आए कि मेरा जो रिस्क है, मेरी जो नियमतें हैं, मेरे जो चीज़ें हैं, वो अल्लाह ने ये छीन कर किसी और को दिए, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा सबब बन सकती है आपकी इनसिक्योरिटी का, और यही डेवलप करता है हसद फैक्टर को। इंसान जब हसद करना स्टार्ट करता है, जब ये सोच हो जाती है कि उसके पास क्यों है मेरे पास नहीं, या मेरे पास नहीं है उसके पास क्यों, ये जो सोच बनती है ये एक और सबब बनती है नेगेटिव थिंकिंग का, नेगेटिव लिविंग का, और ये आपको रोकती है पॉजिटिव लिविंग के लिए। तो और एक एक वजह जो बनती है वो है ईगो, यानी तकब्बुर। इंसान अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि उसके सामने सब लोग छोटे दिखते हैं, सब चीज़ें छोटी दिखती हैं। वो तकब्बुर की कैफियत में ऐसे आ जाता है कि वो इंसान अपने आप को ही बड़ा समझता है, दूसरों को नहीं। जब ये आ जाती है तो ये एक ऐसी बर्बादी का रास्ता है जिसको उसने चुना है, जो आप उस शख्स को बर्बादी के मंजिल पर लेकर जाएगी। तकब्बुर ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़ेबा देता है, ये कोई इंसान को तकब्बुर ज़ेबा नहीं देता, क्योंकि इंसान की औकात तकब्बुर करने लायक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बहुत ही कमज़ोर बनाया। हम देखते हैं कि ऐसे बड़ी बड़ी कौमें, ऐसे ताकतवर कौमें गुजर गई, तबाह हो गई, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक किस्म का तकब्बुर था। हम जानते हैं फिरौन ने ऐसी तकब्बुराना जुमले को अदा किया कि उसने कहा बेशक मैं तुम्हारा रब आला हूँ, जबकि ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ज़ेबा देती है। उसने ये अल्फाज जो नेगेटिव, सबसे एक्सट्रीम लेवल की जो नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर सकता था उसने किया, और हम जानते हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ, उसकी मंजिल क्या हुई, उसके साथ क्या हादसा हुआ, उसकी बर्बादी का सबब उसका तकब्बुर बना। तो हमें चाहिए कि हम अगर पॉजिटिव लिविंग जीना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम तकब्बुर ना करें, अपने आप को हम्बल रखें, अपने आप को तवाज़ो में रखें, अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ा रखें। जो इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान को तकब्बुर है वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। यानी आप इसको समझ सकते हैं कि इतनी अहम बुराई है ये कि हमें इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये और एक सबब बनता है हमारी पॉजिटिव लिविंग को डिस्ट्रॉय करने का या तोड़ने का। और एक सबब बनता है जो हमारी पॉजिटिव लिविंग को बर्बाद करता है, और वो है गुस्सा। इंसान का गुस्सा उसको बर्बाद कर देता है।
इंसान गुस्से में नेगेटिव अल्फाज यूज़ करता है, गलत बात बताता है, और उसके जो आमाल होते हैं गुस्से में उसके आमाल बर्बाद हो जाते हैं, उसके गुस्से में उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो भी उसको बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो गुस्सा है, एंगर, इट इज़ वन ऑफ द की रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं कि किसी को गुस्सा नहीं आता, बेशक हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को आप कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। हमें ये चाहिए कि हम वो नसीहत को लें जो इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को दी, कि सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे नसीहत करें। आपने कहा गुस्सा ना करो। आपने कहा फिर क्या, और कुछ नसीहत करें? आपने कहा गुस्सा ना करो। आपने कहा फिर क्या, और क्या नसीहत देंगे आप? आपने कहा गुस्सा मत करो। यानी तीन वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उस सहाबी को नसीहत की, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। यहाँ पर हमें पता ये चलता है कि गुस्सा एक ऐसी ऐसा सबब बनता है जो हमें हमारी पॉजिटिव लिविंग को बर्बाद करने का एक एक वजह बनता है, एक सबब बनता है। तो हमें चाहिए कि हमें एंगर मैनेजमेंट, हमें गुस्सा आता है, हमारे पास ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बाज़ लोग ऐसे काम करते हैं जिससे हमें गुस्सा आता है, लेकिन शरीयत ने, इस्लाम ने उसको एक शेप दिया है, उसको एक एक कंट्रोल, एक शक्ल दी है जिसके तहत हमें उसको अदा करना चाहिए और उसको हमें मैनेज करना चाहिए। इसी तरह हमारे लिए ये भी एक सबब बनता है हमारी पॉजिटिव लिविंग को बर्बाद करने का। तो हमने बात की जो जो कॉजेस हैं, जो जो रीजंस है, या जो जो असबाब है जिससे हमारी पॉजिटिव लिविंग बर्बाद होती है या तबाह होती है, या फिर हम पॉजिटिव नहीं बन सकते, वो है हसद, एनवी, ईगो, तकब्बुर, एंगर यानी गुस्सा, और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कल, पूरा भरोसा नहीं रखना। ये सारे असबाब बनते हैं हमारी पॉजिटिव लिविंग ना होने के लिए। हमें ये चाहिए इनके बरक्स हम काम करें, इसके बरक्स यानी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर पूरा भरोसा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर पूरा हम भरोसा करें। जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल करता है, उस इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कभी नहीं आती, क्योंकि उसको उसके रब पर भरोसा होता है, उसको उसके रब पर भरोसा होता है कि उसका रब उसके लिए अच्छा ही करेगा, उसका रब उसके लिए अच्छा ही सोचेगा, उसका रब उसके लिए अच्छा ही करेगा, उसका रब उसके लिए उसके खैर वाला मुआमला करेगा। ये भरोसा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर आता है तो वो पॉजिटिव लिविंग का एक शक्ल बनता है। ये भरोसा टूटना, वो इनसिक्योरिटी में जाएगा, वो इनसिक्योरिटी उसको नेगेटिविटी में ले जाएगी, वो नेगेटिविटी उसको बर्बाद कर देगी। तो हमें चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करना चाहिए, हमें चाहिए कि हमें किसी से हसद नहीं करनी चाहिए। ये एक असर अंदाज शख्सियत की अलामत हो ही नहीं सकती कि वो दूसरों के ऊपर हसद या कीना कपट, या ये जो एक बीमारी या एक बुराई है कि दूसरों की खुशी उसको दिख नहीं सकती, दूसरों की कामयाबी वो देख नहीं सकता, दूसरों की तरक्की पर वो अफसोस करता है। तब के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सिखाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया, ये सिखाया, ये अमाल को अफजल अमाल बताया कि अब जब तुम अपने भाई की तरक्की देखो तो बारकल्लाह कहो, माशाअल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये सारी तालीम हमारी उसी कॉन्टेक्स्ट में फिट होती है जब हम ये सोच पॉजिटिव रखना चाहते हैं, एक पॉजिटिव लिविंग करना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि ये बुराई जो है वो है, हम बात करे थे इनसिक्योरिटी की, जो हमारे अंदर हसद है उसको हटाने की, जो हमारे अंदर जो तकब्बुर आ जाता है उसको हटाने की। इंसान एक एतदाल की ज़िंदगी जीना चाहिए, उसके अंदर ये कैफियत नहीं आना चाहिए कि वो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है और दूसरों को कोई अपना बराबर वाला नहीं समझता।
उसको तोड़ना चाहिए, इंसान को अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे बताए हैं कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसके अल्फाज भी वैसे ही गलत निकलते हैं, जब उसके अल्फाज गलत निकलते हैं तो वो बाद में जाकर अगर वो अच्छा इंसान है तो नादिम होता है, लेकिन उसका नुकसान जो होता है वो उसको बहुत पछताना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ये दीन दिया है उस दीन ने हमें ऐसी खूबसूरत नेमत तालीम के ज़रिए दी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की कैफियत को देखकर उसको इस्लाम दिया, उस दीन को दिया जिसका तरीक़ेकार इतना खूबसूरत है कि जिसमें हर इंसान खुश रहता है, हर इंसान अमन में रहता है, हर इंसान सुकून में रहता है, हर इंसान एक दूसरे इंसान के ख्याल रखता है, हर इंसान एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखता है। इतना के उलेमा कहते हैं कि जब तुम अपने भाई के बारे में कुछ सोचो तो अगर उसने तुम्हारे बारे में या तुम्हारे लिए कोई गलत काम किया तो उसके बारे में 70 से ज़्यादा फ़ीसद ज़्यादा टाइम ये सोचो कि इसने कुछ अलग वजह से ये बात बताई होगी या कुछ अलग तरीके से इसने ये किया होगा। हमारी ज़िंदगी में ये कैफियत होनी ही चाहिए जिसमें हमारे अंदाज़ जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत ही आला हो और अहसन हो। इसी वजह से ये जो पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव लिविंग का जो सब्जेक्ट है, जो मौजू है, एक असर अंदाज, एक अच्छी शख्सियत की तामीर होने के लिए बहुत ही अहम है। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल करना चाहिए, हमें अपना काम अंदाज देना चाहिए, हमें अपने लिए दुआ करना चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी दुआ करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले पर हमें खुश रहना चाहिए। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ ज़रूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।